जब भी आई हूँ काम की वजह से आई हूँ, और हमेशा सब लोग की कंप्लेंट रहती है कि मैं सूरत आती हूँ तो किसी से मिलने जाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये सच है, मैं यही पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना भी टाइम मिलता है व्हेनेवर आई कम हियर फॉर एनीथिंग एनी वर्क रिलेटेड थिंग, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ की लोकल डेलिकेसीज, यहाँ का खाना इंजॉय करूँ। तो बस मैम, आप 10 साल पहले आई थी सूरत और अभी आई हो, उसमें कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 10 साल नहीं, मैं 8-1 साल पहले अब आए थे। होली पे भी आई थी, होली के बाद भी आई थी, तो सूरत तो आना जाना लगा रहता है, एंड वी आर लकी कि बॉम्बे के इतने पास है तो आना इजी भी है, तो अदरवाइज आपको फ्लाइट कैच करनी पड़ती है, सूरत की सिटी भी मूव करनी है। सिंगिंग और पेंटिंग का शौक नहीं था, बस पता चला कि मैं थोड़ा गा लेती हूँ, और जब ड्रॉ करना शुरू किया तो पता चला कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर सकती हूँ, बट एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, एक्टिंग कभी भी मैं करना नहीं, मेरी हर इंटरव्यू में आपको सुना होगा मैं कभी भी एक्टिंग करना नहीं चाहती थी, मैं बस ऐसे ही एक ऑडिशन के लिए चली गई और वहाँ सेलेक्ट हो गई, बनना तो मुझे आप में से ही एक था जर्नलिस्ट। देखिए पारुल, देखिए पारुल, ये जो आप क्वेश्चन मुझे पूछ रही हैं, अगर इस वक्त हम जिस शुभ काम के लिए यहाँ आए हैं उसी के बारे में बात करें, कभी हमारा वन ऑन वन हुआ तो मैं आपसे जरूर बात करूंगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगी, लेकिन आज हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उसी के बारे में बात करूंगी ज़्यादा। मैंने एक ही शो किया है, ये रिश्ता कल ही था। अब ये तो मैं गुड लक ही कहूँगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद कहूँगी कि इतनी कम समय में आप जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, कास्टिंग डायरेक्टर से यहाँ पर मुझे मैडम के बारे में बताइए और आपके लिए यहाँ है अकेडमी के बारे में, रिटासा अकेडमी जिसकी आज ग्रैंड ओपनिंग हुई है, हमने ये टूजी है और टूजी है, एंड रीटा के नाम से ही है रिटासा, शी इज़ अ लकी वाइफ, एंड ये एक ऐसे हस्बैंड है, भगवान करे ऐसे हस्बैंड सबको मिले जो अपने वाइफ के नाम पे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोल लिया है उन्होंने, जहाँ पर सूरत से या गुजरात से